Welcome back here. We previously discussed about what is convection and what is insulator, what is conductor. Okay, so last time we have to we have incomplete our last topic or the last second topic of the sea breeze and the land breeze. So what is sea breeze and what is land breeze? The people living in the coastal area experience an interesting phenomena. It means they feel different atmosphere than us. Okay, so what is the coastal area? Coastal area means the area which is near to a sea. Okay, जो सी के या समुद्र के या फिर दरिया के सबसे पास के एरिया होते हैं. Okay, so during the day the land get heated faster than the water. यानी कि जैसे ही सन राइज होता है तो जमीन सबसे पहले गर्म हो जाती है, उसके बाद गर्म होता है पानी. तो अब क्या है, जो जमीन है वो सबसे ज्यादा गर्म है. तो जमीन गर्म है तो जमीन के ऊपर की जो एयर है, जैसे कि आपको मैं एक फिगर के थ्रू ये समझा सकूं. यस, ओके. तो देखो, ये जो जमीन है, ये जमीन के पास, अब सबसे पहले जमीन गर्म हो रही है, ठीक है. यानी कि ये जो सी वाला एरिया है या पानी का जो एरिया है वो अभी क्या है, ठंडा है. तो इस जमीन के ऊपर की जितनी भी वहां पे एटमोस्फियर में क्या है, देयर आर लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ एयर. ओके, हर जगह क्या है, एयर है. तो वो जमीन गर्म है, वो अपने आस पास की या ऊपर की जमीन को, हवा को क्या कर देगा, गर्म कर देगा. तो अब जैसे ही ये हवा गर्म हो जाती है तो ये क्या करती है, यहाँ प्रेशर हाई होने लगेगा. तो हाई प्रेशर की वजह से वो ऊपर की तरफ जाने लगेगी या फिर ठंडे एरिया में यानी कि सी की तरफ मुड़ना चालू करेगी. तो आपको यहाँ पे एक एरो के थ्रू समझाया गया है कि जो जमीन की या लैंड की जो एयर है, क्योंकि लैंड गर्म है, ठीक है, वहां की ऊपर की एयर भी सारी हॉट है, तो वो अब कौन सी जगह पे जा रही है, ठंडा होने जा रही है. क्यों ठंडा होने जा रही है, जैसे हम लोगों ने आपको पहले मैंने समझाया था कि आप जब भी फ्लेम के पास में कोई चीज रखते हैं तो वो चीज गर्म रहती है, लेकिन जैसे आप फ्लेम को अब बंद कर दे रहे हो, उसको दूसरी जगह लेके जा रहे हो आपके पर्टिकुलर वेसल्स को, तो अब वो धीरे धीरे क्या होता है, कूल डाउन होता है. वैसे ही ये हीट एयर जो है वो कौन सी साइड, मूविंग टू द सी साइड. ओके, यानी कि जहाँ पे सी है वो वाले एरिया पे जा रही है. तो अब जो ये सी वाली जगह है वहां पे जा रही है. द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस टुवर्ड द लैंड. और जो सी के पास की जो ठंडी हवाएं हैं वो कहाँ आ रही है, कहाँ पे आ रही है, अब लैंड की तरफ आ रही है. सो द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल. और गर्म हवा सी की तरफ जा रही, धीरे 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 अब क्या हो रहा है, समुद्र भी धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, लैंड लेकिन उससे भी फास्ट गर्म हो रहा है. यानी यहाँ से गर्म हवा सी वाले यानी कि थोड़े से ठंडे पार्ट में जा रही है, ठंडी हवा कहाँ पे जा रही है, लैंड में जा रही है. तो ये जो ठंडी हवाएं हैं जो हमें सी के तरफ से मिलती है उसे कहते हैं सी ब्रीज. ओके, सो द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी टू कम्प्लीट द साइकिल एंड द एयर फ्रॉम द सी, जो हमें सी की तरफ से हमें ठंडी हवाएं आ रही है, सो इसे कहते हैं सी ब्रीज. ब्रीज का मतलब होता है कुछ ठंडक या ठंडी ठंडी हवाएं. टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन द कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी. यानी वहां के जो घर कैसे बनते हैं कोस्टल एरिया के, जहाँ पे उनका जो विंडो का जो फेस होता है, यानी विंडो ओपन करना, जो साइड विंडो रखना है घर का, वो हमेशा सी की साइड होता है, ताकि वहां से उनको ठंडी हवा की फील मिले. ओके, द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन द कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी बट एट द नाइट. तो अभी हमने जो बात की वो थी दिन में सबसे पहले गर्म होता है लैंड, इसकी वजह से ठंडी हवा हमें सी की तरफ से मिलती है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर बढ़ता है, यहाँ से हवा समुद्र की तरफ जाती है, गर्म हवाएं, और समुद्र की तरफ से ठंडी हवाएं यहाँ पे हीट होने के लिए क्या करती है, इस तरफ आती है. यानी दिन में हमें ठंडी हवा किस वजह से मिल रही, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हो रहा है, बट एट द नाइट द प्रोसेस इज कम्प्लीटली रिवर्स और इट इज कम्प्लीट द ऑपोजिट देन द सी ब्रीज. सी ब्रीज की जो हमें हवा मिल रही थी सी ब्रीज में, उससे कम्प्लीटली ऑपोजिट इस टाइप का आपको फिनोमिना देखने मिलेगा. टू रिसीव द
sorry, at the night it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land. यानी कि जो पानी थोड़ा बहुत गर्म हुआ है वो क्या होता है, कूल्स डाउन स्लोली, यानी वो उसको ठंडा होने में सॉरी द वॉटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, यानी लैंड जितना जल्दी गर्म भी हो जाता है उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है, यानी कि वहाँ का टेम्परेचर फटाफट डाउन होने लगता है. सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स द एयर, यानी अब यहाँ पे देखो लैंड सबसे पहले ठंडा हो चुका है. इट मीन देखो मैं आपको फिगर के थ्रू समझाऊंगी. ओके, तो अब नाइट को क्या हुआ, जो हमारी लैंड सरफेस है वो अब जल्दी से एकदम से ठंडी हो गई है, लेकिन पानी यानी कि सी का जो सरफेस है वो अभी थोड़ा सा वार्म है, या ऐसा कह सकते हैं गर्म है. तो क्या होगा, यहाँ की ठंडी हवा, अब देखो अब इसे पूरा उल्टा, अभी पहले क्या हो रहा था, लैंड के ऊपर की जो गर्म हवाएं थी वो सी में जा रही थी क्योंकि यहाँ प्रेशर हाई हो जाता. अब प्रेशर कहाँ पे हाई है, अब सी में प्रेशर हाई है. ओके, तो सी की तरफ से आने वाली सारी हवाएं गर्म क्या होगी, लैंड की तरफ आएगी, और लैंड की जो ठंडी हो चुकी हवाएं हैं वो कहाँ जाएगी, सी में जाएगी. ओके, सो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है. दिन में क्या होता है, ठंडी हवाएं समुद्र की तरफ से लैंड को, यानी जहाँ हम लोग रह रहे हैं वैसी जगह पे, यहाँ जहाँ पे पीपल रहते हैं वहाँ उनके घर हैं, उस तरफ ठंडी हवाएं आती, लेकिन एट द नाइट द प्रोसेस इज कम्प्लीटली ऑपोजिट. यानी क्या है, पूरा उल्टा फिनोमिनल हो रहा है, यानी कि ठंडी हवाएं अब कहाँ जा रही है, समुद्र की तरफ जाने लगती है. सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स द सी एंड दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज, यानी इसे कहते हैं लैंड ब्रीज. याद रखना है आपको, सी ब्रीज पूछे तो ब्रीज का मतलब होता है कुछ ठंडी हवाएं, यानी वो कौन सी तरफ से आ रही होगी, ऑफकोर्स सी की तरफ से आ रही है, और लैंड ब्रीज आपको बोले तो लैंड की तरफ से ठंडी हवाएं समुद्र में जा रही है. वेन वी कम आउट इन द सन, तो ये सारी प्रोसेस कैसे हो रही है, मैंने आपको बोला कि ठंडी हवा आ रही है आ रही है आ रही है, बट आगे तो हमने ये चीज देखा था कि जो एयर है वो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट का. ठीक है, तो ये फिनोमिनल कैसे हो रहा है, कैसे पॉसिबल है, आपने अभी आगे फिगर देखी तो उसमें कुछ इसमें आपने कुछ नोटिस किया हो तो आप देख सकते हो कुछ एरो एरो बना हुआ है. तो ये एरो क्या शो करता है, तो दिस इज द रेडिएशन ऑफ सन, यानी कि ये सन के जो किरण होते हैं, किरणें होती है, उसकी वजह से ये सब जल्दी पॉसिबल होता है. सो व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, बट हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस, यानी सूरज की तरफ से हमारे सूरज की गर्मी हमको कैसे मिल रही है, तो रेडिएशन फॉर्म में मिल रही है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया है. इट कैन नॉट रीच अस बाय द कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज द नो मीडियम, क्योंकि उनके बीच में तो एयर है और एयर तो पुअर कंडक्टर है, यानी इतना जल्दी वो हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकता है. तो एयर इज द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन. देखो आपको यहाँ पे ये फिगर्स बताया गया है डे टाइम में क्या होता है और नाइट टाइम में क्या होता है. फ्रॉम द सन द हीट कम टू अस बाय द अदर प्रोसेस इज कॉल्ड रेडिएशन, किरणों का आने को प्रोसेस को कहते हैं रेडिएशन. द ट्रांसफर ऑफ द हीट बाय द रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, क्योंकि वो एक खुद एक किरणें हैं जो वहाँ से हीट है, सन की हीट हमको लाके दे ही रही है, वही प्रोसेस वो लैंड ब्रिज के लिए भी यूज कर लेते हैं और सी ब्रिज की एयर को ट्रांसफर करने में भी रेडिएशन हेल्प करते हैं. द ट्रांसफर ऑफ द हीट बाय द रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी उसे कोई माध्यम की जरूरत नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. इट कैन टेक प्लेस वेन एवर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट. वेन वी सिट इन द फ्रंट ऑफ द रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, यानी जब भी हमारे घरों में हीटर लगा होता है ठंडी के टाइम में तो वो जो गर्माहट हमें फील होती है वो किसकी वजह से होती है, रेडिएशन की वजह से. एंड ऑन द अवर बॉडी टू गिव हीट टू सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय द रेडिएशन, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि दूसरी चीजों से हमें रेडिएशन मिलती, इवन अवर बॉडी ऑल्सो रेडिएंट, यानी हमारे बॉडी में से भी कुछ हीट बाहर निकलती है. अगर वो चीज होती ही नहीं तो आपको कभी स्वेटिंग होता ही नहीं, यानी पसीना आना भी क्या है, एक टाइप का ट्रांसफरिंग है कि हमारी बॉडी में से कुछ निकल रहा है, हीट प्रोवाइड हो रही है, तब हमें गर्मी फील हो रही है. ओके, सो ऑल द हॉट बॉडी रेडिएंट हील व्हेन दिस हीट फॉल ऑन सम ऑब्जेक्ट पार्ट इज रिफ्लेक्टेड
पार्ट इज एब्जॉर्ब और पार्ट में भी ट्रांसमिटेड, यानी जब भी एक जगह से दूसरी जगह के रेडियंस के थ्रू कोई भी हीट पास होता है तो या तो वो रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट यानी लग के वापस आ जाना, या फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा यानी कि वो पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, वो भी कम्प्लीटली हीट हो जाएगा। और द थर्ड वन इज ट्रांसमिटेड, यानी और आगे की तरफ वो पास हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन, यानी कोई चीज को, यानी आप वेसल का एग्जांपल ले लो, या आप कोई भी चीज को गैस की फ्लेम पे रखते हो तो वो किसकी वजह से हीट होता है, क्योंकि वो हीट क्या कर ले रहा है, पूरी एब्जॉर्ब कर रहा है। व्हाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट ऑफ द सन, तो आपको हमेशा लोग गर्मी में आपको सन रेजेस से बचने के लिए एडवाइस दी जाती है, क्यों, कि अम्ब्रेला आपने साथ रखे ताकि उसपे से वो क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, नहीं वापस चले जाए, ठीक है। सो द काइंड ऑफ क्लोथ वी वियर इन द समर एंड द विंटर, हम समर और विंटर में जो डिफरेंट टाइप के क्लोथ पहनते हैं वो भी रेडिएशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। सो यू नो दैट द समर वी प्रीफर लाइट कलर, यानी कि लोग व्हाइट कलर के कपड़े ज्यादा पहनना पसंद करते हैं, बट इन द विंटर वी वेयर बीइंग द डार्क क्लोथ लाइक ब्लू, ब्लैक, ये सारे कलर हम पहनते हैं। सो क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में आपको एक्टिविटी 4.10 के थ्रू समझाने की कोशिश की है। आपको दो तपेली या दो कैन लिखा है इसमें, वैसी कोई चीज ले लो, एक की आउटर सरफेस को ब्लैक कलर का पेंट मारो, दूसरे को व्हाइट, या फिर सिंपल ही रहने दो। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर, यानी उसमें सेम अमाउंट पानी भर के 1 आवर के लिए 12 बजे के टाइम में उसे बाहर छोड़ दो, तो आपको टेम्परेचर में क्या कुछ डिफ्रेंशिएशन पता चलेगा। तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, कि जो ब्लैक कलर हमने पेंट किया था जिसके ऊपर, वो क्या है, उसका पानी ज्यादा हीट है, यानी उसके अंदर ज्यादा गर्माहट सोसाई है, या फिर ज्यादा गर्मी की ज्यादा हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, बट व्हाइट कलर के पेंट में नहीं हुई है। इसकी वजह से हम लोग हमेशा ठंडी में डार्क कलर के क्लोथ पहनते हैं और गर्मी में हमेशा लाइट कलर के क्लोथ पहनते हैं। तो फाइंड द टू कैंस यूज दिस एक्टिविटी एट द सेम टेम्परेचर। अब आपको इससे ऑपोजिट की प्रोसेस बताई है कि कौन से कलर के कपड़े कौन सा कलर का कैन जल्दी पानी ठंडा करेगा और कौन सा कैन जल्दी ठंडा नहीं होगा। सो आपको वही सेम कैन का यूज करना है, दोनों में 60 डिग्री सेल्सियस वाले पानी डाल देना है, 10 से 15 मिनट बाद वापस से थर्मोमीटर के थ्रू आपको इसका टेम्परेचर चेक करना है। तो कौन सा पानी सबसे जल्दी ठंडा हो जाएगा। सो डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट यू टू रीजन व्हाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर व्हाइट और लाइट कलर क्लोथ इन द समर, यानी ये चीज आपको यही बताना चाहते हैं कि कैसे, क्यों हम डार्क कलर के कपड़े हमेशा ठंडी में पहनते हैं, क्योंकि डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट, यानी वो गर्माहट को ज्यादा सोचती है, या फिर जो सूरज की तरफ से रेडिएशन आते हैं वो आजू बाजू हमारे हमेशा होते ही है हीट, तो वो वार्मनेस को क्या करता है, एब्जॉर्ब जल्दी करता है। बट इन द विंटर लाइट कलर क्लोथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम, देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन द समर। और लाइट कलर के क्लोथ जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी, यानी ब्लैक एक ऐसा कलर है जो सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन व्हाइट कलर क्या करता है, उसके ऊपर से सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो वुलन क्लोथ के बारे में क्या खासियत है वो बताई है, इन द विंटर वी यूज वुलन क्लोथ, वूल इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दिस इज, सो वहां पे क्या होगा, जो एयर होगी वो वूल फाइबर के बीच में फंस जाती है, एंड दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द हीट फ्रॉम अवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, सो वी फील वार्म, जिसकी वजह से हमें गर्माहट फील होती है। सपोज यू आर गिवन टू चॉइस इन द विंटर ऑफ यूजिंग आइदर 1 थिक ब्लैंकेट और 2 थिन ब्लैंकेट ज्वाइंट टूगेदर, वॉट वुड यू चूज एंड वाई, रिमेम्बर दैट देयर विल बी लेयर ऑफ द एयर इन बिटवीन दिस ब्लैंकेट, यानी कि जब आप एक मोटा कुछ ओढ़ते हो उसके बदले 2 पतले ओढ़ोगे तो आपको चेक करना है कि किसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि अगर वो चीज वूल की बनी होगी तो एक सिंगल लेयर जो होगा ना उसमें से जल्दी से हीट पास नहीं होगी, क्योंकि वो उसमें ट्रैप हो जाएगी, और सेकेंड वाले में क्या होगा,
वो दो होंगे यानी उनके बीच में तो ऑलरेडी एयर पासिस होता ही है। ओके, तो ये है आपका वुलन क्लोथ के बारे में कुछ बताया था। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग रही, हमने टेम्परेचर के बारे में देखा, क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा, लेबोरेटरिकल थर्मोमीटर देखा, बहुत सारी एक्टिविटीज देखी, और लास्ट में सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में, डार्क कलर क्लोथ्स आर मोर कम्फर्टेबल इन द विंटर सीजन एंड व्हाई द लाइट कलर और द व्हाइट कलर आर मोर कम्फर्टेबल इन द हॉट समर सीजन, वी विल ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कम्प्लीट हो गया।